बाजीगर कहते हैं। आई गेस एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी अशोक को फंसाने की, बट जितना ज्यादा कमीना मैं अशोक को समझती थी, वो उससे कहीं ज्यादा कमीना निकला और वो मुझे फंसा देता है। हाँ, क्या क्या हुआ? हुआ ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा है, मैं होश में नहीं हूँ और अपने बेड पे हूँ, मतलब अशोक के हनीमून के रूम में हूँ, और सब लोग आ जाते हैं और सब लोग उस मोमेंट में शॉक्ड हैं। उसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना विश्वास है कि मैं इसमें से क्लीन निकल आऊँगी। क्या प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग ये थी कि शगुन के सामने अशोक का चेहरा बाहर आ जाए, कि अशोक लड़कीबाज है, कैरेक्टर का ढीला आदमी है और मुझ पे ट्राई मार रहा है, मुझसे कहता है आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो आई थिंक मैं बस चाहती थी कि शगुन ये देख ले, तो मैंने एक ट्रैप बिछाया। और क्योंकि अशोक आई थिंक कहीं ना कहीं या तो लकी था या तो वो समझ गया कि मैंने ट्रैप बिछाया है, वो बेटर जानता है, तो मुझ पे उल्टा पड़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं शगुन का बहुत लंबा मतलब लॉस हुआ है, तो कैसे गेन होगा, कैसे वायरल ऑफकोर्स होगा? शगुन का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो अपना पूरा विश्वास एक ऐसे आदमी में रख रही है जो उसे बस चीट कर रहा है। तो किसी भी लड़की के लिए ये जानना कि जिससे आप प्यार करते हो वो ऐसी हरकत कर सकता है, इट्स हर्टफुल। बट आई थिंक लॉन्ग रन में अगर आपका आदमी आप पे चीट कर रहा है तो ये लॉस नहीं होता। आपने शगुन के लिए सब कुछ किया, लेकिन मिहिर पे क्या बीतने वाला है, क्या होगा अब? अरे मिहिर मुझ पे बहुत विश्वास करता है, लेकिन उसको क्या पता है कि मैं पवित्र हूँ। लेकिन इश्दा और रमन कैसे आपका साथ देंगे, अगर बात अगर नहीं माने मिहिर की? नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऑफ हुआ। कोर्स इशिता अक्का तो मेरा ही साथ देगी, क्योंकि आई थिंक मैं और मिहिर एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन अक्का मेरी बहन है, हमारा खून का रिश्ता है और वो मुझे बचपन से जानती है। तो वो जानती है कि कुछ भी हो जाए, अगर मैं किसी का खून भी कर दूँ तो उसे पता है कि वो खून मैंने नहीं किया होगा। उन्हें इतना विश्वास है मुझ पर। शायद मिहिर का विश्वास डगमगाएगा थोड़ा सा इन द मोमेंट, क्योंकि अशोक भी ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो मुझसे गलती हो गई, तो कोई भी बहक जाएगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। तो आई एम श्योर इवेंचुअली मैं मिहिर को कन्विंस कर दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। जायज रिश्ते मेरे और अशोक के रिश्ते को जायज होने से रोक दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम क्या कह रही हो? वही जो मैं देख रही हूं। चेक, ओके। शादी तुमने मुझे बर्बाद।